हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, आज हम लोग देखेंगे पूरा डिशवाशर का इनपुट आउटपुट कनेक्शन और डिशवाशर फिटिंग पूरा दिखाता हूँ मैं। देखिए देखिए, हम होल कर लिए हैं, दो होल कर लिए थे, एक इनपुट और एक आउटपुट है। और उसमें ये आता है 1.5 रिड्यूसर ब्रश कलर बोलते हैं इसको। यह आके इनपुट है डिशवाशर के लिए, पानी आने वाला है इनपुट। मतलब देखिए, ये होल कर लिए ना, उसमें डाल दिए हैं। अभी बैक साइड में एल्बो डाल रहे हैं। ये 1.25 इंच CPVC है। ब्रांड के बारे में वो चाहिए तो कमेंट कीजिए। देखिए, वो लगा दिए हैं और नीचे में ना 1 इंच का CPVC बेंड है, वो इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं। ये आउटपुट है, ये 1 इंच का डालने से बस है, क्योंकि उसमें हॉट वाटर जाता है। डिशवाशर में ज़्यादा से ज़्यादा 65 डिग्री हॉट वाटर जाता है, ठीक है। उसके लिए CPVC डालने से बेटर रहता है, ठीक है। इधर भी CPVC डाल दिए हैं। और ये देखिए, यह आके नैनी ट्रैप का जाली है, ये इसमें एक MTA FTA डाल के CPVC है, ये भी फिक्स कर दिया मैं। एक MTA FTA डाल के 1 इंच का है वो, अभी डाल रहा हूँ 1 इंच का T डाल रहा हूँ CPVC का। देखिए, 1 इंच का CPVC डाल के इसमें डिशवाशर का वाटर जाना है और वाशिंग मशीन का वाटर भी जाना है, दोनों जाना है। क्योंकि ये होल एक ही रहता वो जाली में, इसलिए दो बना रहा हूँ मैं। और साइड में कहाँ पानी पड़ा तो वो भी वो साइड होल, छोटे छोटे होल से जाता पानी। देखिए, अभी हम T डाल लिए हैं। ये दोनों पाइप का आउटपुट पानी जाने वाला है, वेस्ट वाटर जाने वाला है, एक डिशवाशर का और एक वॉशिंग मशीन का, दोनों का, इसलिए T डाला हूँ। देखिए, ये आके ऊपर में जाएगा, डिशवाशर के लिए जाएगा, बेंड डाला हूँ मैं, ठीक है। CPVC 1 इंच का है वो पूरा। अभी वो बेंड डाल के अभी और एक बेंड डाल लेते हम लोग। देखिए, ये बेंड ऊपर को लगेगा, ये भी 1 इंच का ही है। नॉर्मल PVC में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उसमें पानी हॉट वाटर जाता ना, इसलिए सेफ्टी रहेगा, इसलिए CPVC पाइप यूज़ करना बेहतर है। हम 1 इंच डाल रहे हैं, आपको डालना तो 1.25 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 इंच का काफ़ी होगा। आप देखिए, एक दो बेंड डाल दिए हैं और एक बेंड डालेंगे, थोड़ा हाइट कर रखो, 3 बेंड हो गया उसको, एक लेवल में आ जाएगा, थोड़ा स्लोप भी रहेगा। मैं लास्ट में भी बताता हूँ पूरा कैसा है, किधर है बोल के। देखिए, और एक बेंड डाल दिया हूँ, अभी यहाँ से यहाँ को स्लोप रखा हूँ और बेंड डाला हूँ, थोड़ा सा 1.5 इंच का स्लोप रहेगा पानी जाने के लिए, 1.5 इंच का स्लोप रखते हैं। जो होल डाले थे हम लोग, वो होल में आ रहा है वो। देखिए, अभी वो डाल दिए बेंड में, वो बेंड में डाल दिए, हो गया। देखिए, ये आउटपुट हो गया उसका, डिशवाशर आउटपुट है वो। अभी इनपुट के लिए 1.25 इंच का पाइप यूज करते हैं, वो भी बताता हूँ। अभी ये देखिए, ये 1/1.25 इंच का, 1/1.25 इंच का रिड्यूस कलर है, क्योंकि 1 इंच का आके T में जाएगा, 1/1 इंच का पाइप आके वॉशिंग मशीन के लिए आएगा। वॉशिंग मशीन का पाइप थोड़ा मोटा रहता ना, तो इसलिए 1/1 इंच का कलर डाल रहे हैं हम लोग। देखिए, 1/1 इंच का कलर, रिड्यूस कलर डाल के, 1/1 इंच का रिड्यूस कलर डाल के, इसको गम नहीं डालते हम लोग कभी, क्लीनिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए निकालने अच्छा रहता है, ठीक है। और क्लैंप्स मार देते हैं,
एक इंच के लिए एसएस नेल्स है, ये डेढ़ इंच का एसएस नेल्स डाल के क्लैंप्स ज़्यादा नहीं मारो कभी, क्योंकि कभी क्लीनिंग करने के लिए यूज़ होना है। देखिए इतना बस काफ़ी है, इधर मैं क्लैंप्स नहीं मार रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बेंड के पास मार रहा हूँ, हिलेगा नहीं वो। देखिए अभी सवा पौना इंच का पाइप सीपीवीसी का है ये, इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। एल्बो है ये, पौना इंच एल्बो डाल के, अभी उधर से हम एक एल्बो डाले थे ना होल डाल के, रिड्यूस कलर डाल के, वहाँ से इसमें को एक एल्बो डाल के करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एक एल्बो डाले हैं, यहाँ से वहाँ सीधा जाएगा ओपन लाइन में। ये कोल्ड वाटर है, इनका इनपुट है, ये एल्बो में कनेक्शन कर देते हैं। ये जॉइंट कर दिए हम लोग, एक एल्बो पकड़ा और वो एंड में एक एल्बो डाले हैं, उस साइड में एक रेड्यूस कॉलर डाले हैं पौना इंच का, पौना बाय आधा अंदर रेड्यूस डाले हैं, ब्रास रेड्यूसर है। इसको लेवल करके स्ट्रेट करके क्लैंप भी मार देते हैं बाद में, ठीक है। अभी वहाँ पे कनेक्शन करना है, देखिए ये मेन टैंक से आया हुआ इनलेट है ये, यहाँ से कट करके इसके लिए एक रेड्यूसर डालते हैं, एक यूनियन और एक वाल भी डालना है, मेन वाल कभी वाल ऊपर जाके बंद करना पड़ता है इसको, इसके लिए यहाँ पे एक बाल वाल डाल देते हैं, पौना इंच का है वाल है, बाल वाल है ये। देखिए यहाँ से पानी बंद करके पूरा किचन एरिया का पूरा पानी यहीं पे बंद हो जाएगा, मेन लाइन नहीं है, मतलब कि अपार्टमेंट है ये, ऊपर से आने वाला है। देखिए अभी ये कॉलर को निकाल के फेंक देते हैं, वो पहले कॉलर डाला था ठीक नहीं कॉलर, इसलिए वो फेंक के इसको हम यूनियन डालते हैं। यूनियन मतलब कभी भी खोल के क्या भी प्रॉब्लम होगा तो नीट से काम कर सकते हैं, इसलिए ये पौना इंच का यूनियन है, सीपीवीसी यूनियन, इसको डाल देते हैं बीच में। यूनियन डालना अच्छा है, कॉलर डाल के करने से प्रॉब्लम रहता है, यूनियन डालने से काम करने के लिए भी अच्छा होगा। कभी भी हो वाल के पहले इधर इधर करना है, अभी वहाँ मैं वाल बंद कर दिया हूँ, ऊपर में ऑन कर दिया हूँ, तो दूसरों को तकलीफ नहीं रहेगा, ये पैरेलल जाता ना लाइन अपार्टमेंट्स का, इसलिए। देखिए अभी इसको टी डाल ले रहे हम, पहले प्लेन स्ट्रेट प्लेन था ना, उसको एक वाल डाले हैं, उसके बाद यूनियन डाले हैं, अभी एक टी डाल के हम लोग नीचे को कनेक्शन लेके जाते हैं। टी डाल दिए थे, देखिए वाल के पास डाल दिया एक टी, और एक लाइन नीचे जाएगा, एक स्ट्रेट चल जाएगा किचन के लिए, वो पूरा लाइन ये नीचे वाला डिश वाशर के लिए, क्योंकि प्रेशर अच्छा ना, इसलिए मेन लाइन से ले रहे हैं, डिश वाशर के लिए प्रेशर अच्छा चाहिए पानी। अभी क्या करते हैं वो टी के बाद एक पाइप बिट कनेक्शन करके उसको कनेक्शन कर देते हैं, पौना इंच का सीपीवी से पूरा लाइन ही है। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं समझाता हूँ। देखिए अभी यूनियन खोले हैं, कनेक्शन करके लगा देते हैं इसको, इसको जॉइंट करना आसान हो जाता है, कहाँ पे भी कभी भी काम करने के पहले ऐसे जगह में यूनियन एक डाल दीजिए, कोई भी आके काम करने के लिए अच्छा रहता है। आपको मेरा काम कैसा लगा है कमेंट कीजिए, और अगर से आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंकरेज कीजिए, और मैं वीडियोस अच्छे अच्छे डालूँगा, और मैं इसका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट लेके करता हूँ मैं काम, हूँ मेरा वर्क इलेक्ट्रिकल है और प्लम्बिंग भी है। यूनियन हम कनेक्शन कर दिए हैं, टाइट कर दिए, अभी देखिए एक टी था ना उसके नीचे के लिए लाइन लेके जाते हैं हम लोग, डिश वाशर के लिए ये लाइन लेके जा रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। वो टी को कनेक्शन कर देते हैं,
देखिए डाल दिया एल्बो, अभी एक उधर से ला के एक एल्बो था और ये एक एल्बो, दोनों एल्बो को एक लाइन एक पाइप में मिक्स कर लाइन करके जॉइंट कर दिया तो हो गया वर्क। और डिशवाशर का कनेक्शन भी दिखाता हूँ मैं अंदर में, वो भी देख लीजिए अभी दिखाऊंगा। देखिए वो एल्बो और ये एल्बो जो ये डिशवाशर से आया हुआ और ये मेन लाइन में कनेक्शन कर दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए कनेक्शन कर दिए हम लोग, पीवीसी पाइप है पूरा और एक इनलेट है ऊपर वाला, एक आउटलेट है नीचे वाला। देखिए वो गली ट्रैप में जा रहा है, नीचे वाला 1 इंच का पाइप है और ऊपर वाला 0.5 इंच का इनलेट है। ये अभी ये तो देख ले हैं, अभी डिशवाशर के पास दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट, ये देख लीजिए। थैंक यू। देखिए अभी ये 0.5 इंच एंगल का बोलते हैं इसको, 0.5 इंच एंगल का है। कभी वहाँ पे वाल बंद नहीं करना है, सिर्फ डिशवाशर के लिए बंद करने के लिए कभी प्रॉब्लम होगा तो एंगल का बंद करके सर्विस करवा सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम क्या करते हैं, डिशवाशर को 0.5 इंच का आएगा कनेक्शन का पाइप, इसके लिए हम एक अडाप्टर डाल रहे हैं 0.5 बाय 0.5, आधे को 0.5 इंच का बुश डाल रहे हैं हम लोग एंगल काक में। देखिए एंगल काक में डाले हैं और बाहर वो क्लैंप फिक्स कर दे हैं। अभी देखिए उसका नेक्स्ट, अभी मैं डिशवाशर फिक्सिंग का भी दिखा देता हूँ। ये तो हो गया, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। देखिए दे दिया कनेक्शन, देखिए ये पावर, इसका भी वीडियो डालूँगा। और देखिए डिशवाशर फिक्स कर दिया हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।